तो फाइनली हो गई अपनी गाड़ी अनलोड। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, आप जा रहा हूँ ना बहुत टाइम बाद घर, कम से कम 15 दिनों के बाद घर। ठीक है, कॉल करेंगे अभी। चलो भाई की गाड़ी ये रही, ये गांधरबल में रहता है अपने भाई। तो इसी के साथ हम तो चल रहे हैं कंटिन्यू आगे। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते, इस साइड में श्रीनगर मेन पड़ता है, जो केरी के पत्ते थे ना वो उन्होंने देखो कहाँ पे रखे है, आगे उस कैबन पे। अब इनको फेंकना है इस साइड में। तो पीली चाय वाय भी अब निकलने का टाइम आ गया, भाई जाएंगे यहाँ से इस रास्ते से सीधा हाईवे से, और मैं जाऊँगा लेफ्ट साइड से, मतलब आनापाना डिस्ट्रिक्ट से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फाइनली हम तो पहुँच गए हैं श्रीनगर मंडी। सौदा टू श्रीनगर जो हमारी फ्लाइट थी, हमारी ट्रिप थी, वो तो कम्प्लीट हो गई। फिर इतनी गाड़ी मंडी तो करवा ली अपने टाइम पे ही, तो बस अब खुशी मिल रही है। रास्ते में बहुत सारा जाम देखने को मिला, जैसे कि आपको पता है, आपने देखा होगा पिछला व्लॉग। तो अब हम करेंगे यहाँ पे काम। हम सोच रहे थे पहले हम जाएंगे बाथरूम वाथरूम फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा सा, पर ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले हमें रास्ता उतरवाला खोना है गाड़ी का, फिर इनका काम है बाकी सारा। तो चलो हम पहले यही काम करते हैं गाड़ी का है, उसके बाद जाएंगे फ्रेश होने के लिए, फिर नहाएंगे धोएंगे और नई कपड़े लगा के जाएंगे अपना घर। और ये देखो गाड़ी की हालत कैसी हुई, कीचड़ की वजह से ना, देखो कीचड़ की वजह से कितना गंदी हो गई गाड़ी। गंदी देखो कितनी, इस साइड से भी और चारों तरफ से ऐसी है, और शीशे देखो पूछो मत। तो कंटिन्यू चल रहे थे रात को और दिन को, मतलब 3 रात और 2 दिन कंटिन्यू चले हम, और तब जाके हम पहुंचे आज इधर। तो चलो करते हैं अपना काम, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर सबसे पहले खुलाना है रसा और त्रिपाल। इश्फाक भाई पता नहीं कहाँ पे गया, वो आएगा और करेंगे एक काम। अब तो इनको देखना है ये ठीक है कि नहीं। वो ये तो खराब हो गए हैं, देखो यही जलते हैं ना, मतलब रोशनी की वजह से जलते हैं। यहाँ पे भी और एक था, वो कहाँ गया? ये किसने चुराया, ये किसने चुराया वहाँ का? पर ना वो गिरा है शायद, वो गिर गया कहीं पे। तो यहाँ से अगर आप पीछे से देखोगे ना, ये पत्ते हमने वहाँ पे लगाए थे, ये उस वक्त कच्चे थे, मतलब अच्छे से ये हमने पेड़ से उतारे थे। अब देखो इनकी हालत कैसी हो गई है, बिल्कुल खराब, बिल्कुल खराब। तो इस साइड से थोड़ा लुक ऐसा। तो यहाँ पे हमें करना है अनलोड इस जगह पे। अब इन कैन लोगों ना, अब इन डब्बों को चैम्बर में रखा जाएगा ताकि ये सेफ रहेंगे यहाँ से। इसकी हालत देखो क्या हो गई है, ये भी खराब हो गया है, इसको भी फेंकना पड़ेगा, फेंको। और वो बंदर होते ना, अगर हम दिन को आते वहाँ से दार रोड से, वहाँ पे मैं इनको खिलाता था बंदरों को, पर क्या करें, हम तो रात से आए ना, वहाँ पे कोई बंदर दिखाई नहीं। अब बस करेंगे सत्रपाला खिलाएंगे और करेंगे अनलोड जल्दी। यही खासियत है केलों की, मतलब जब आओगे ना उसी टाइम अनलोड हो जाता है, तो इसलिए मुझे ये पसंद आते हैं केले लोड करने के लिए। तो चलो यहाँ पे करते हैं इनको, यहाँ पे लगानी है रस्सी। त्रिपाला तो हमने उठा लिया, अब आप देख सकते हो मतलब अंदर से कैसी थी
हमारा लोड कैसा था देखो, यहाँ पर केले के पत्ते जो है वो लगाए हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पूरा बराबर यहाँ तक पीछे तक, पीछे से देखो हाइट की, हाइट तो बहुत सारी, यहाँ से मैं आपको साइड से दिखाऊंगा थोड़ा सा, देखो कितनी हाइट है, मतलब 1 2 3 4 4 डब्बे ऊपर है, जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा अच्छी तरीके से, देखो 4 डब्बे है ऊपर, 4 डब्बे। तो चलो कोई ना, अब यहाँ से थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और पियेंगे चाय, उन्होंने बनाई चाय तो यहीं पे पियेंगे चाय, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट रेस्ट। बस कर दिया अपना काम और अब मैं जाऊंगा गाड़ी में, चाय तो मैंने पी ली, ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे ही, उन्होंने चाय दे दी, तो चलो अब मैं करूँगा थोड़ा सा आराम, अगर इश्फाक भाई करने देगा तो, वरना वो बोल रहा था कि मुझे कहीं पे साथ आ जाओ, हम जाएंगे कहीं। तो फाइनली हो गई अपनी गाड़ी अनलोड, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, अब जा रहा हूँ ना बहुत टाइम बाद घर, कम से कम 15 दिन के बाद घर। तो मामू आप भी जाओगे घर, फिर करेंगे नेक्स्ट वोट जल्दी, हाँ मिलेंगे जल्दी। तो चलो हमने कहाँ पे अनलोड किया था यार, हमने कहाँ पे अनलोड किया था ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देखो कोहिनूर एंटरप्राइजेस बनाना रिपेयरिंग चैमरिंग एंड कोल्ड स्टोर HMT जैना कोट नियर मिनी बस स्टैंड, मतलब श्रीनगर में है, जैना कोट HMT में है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का व्यू, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कहाँ पे है, देखो रोड का थोड़ा सा व्यू, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पे है ये, देखो जी वाटर ट्रैक और इस साइड में है ये। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं, यहाँ पे अच्छी सर्विस मिलती है, जब आप भी आओगे ना इधर, आप भी आओगे ज़रूर आना, एक एक फेरा लेके आना, फिर आपको पता चलेगा खुद की यहाँ पर कैसा हाल है, बहुत ही मज़ा आता है चैम्बरों में, ये रही यहाँ पे चैम्बर वैम्बर बाकी सारा कुछ, और ये इनका ऑफिस यहाँ पे, चलते हैं। तो चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक हो, असल पट अच्छे हो, मज़े में? हाँ ठीक है। अच्छा जी, तो ये है यहाँ का सेठ जी, सेठ जी तो नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ प्रमुख। अच्छा मोहम्मद अशरफ प्रमुख, तो ये यहाँ पे सारा सामान संभालते हैं ना? HMT, हाँ। तो सारे से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप एक फर्स्ट टाइम जरूर आना, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आओगे ना फिर आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे सर्विस कैसी मिलती है, फिर आप दोबारा से खुद आओगे, है ना? कोहिनूर चैम्बर फट नंबर 51। तो फिर आप खुद आओगे दोबारा, है ना? तो ये यहाँ पर अच्छी सर्विस मिलती है, आप जरूर आना, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है, मतलब जब आते हैं ना वहाँ से लोड करके, तो यहाँ पर फिर थोड़ा आराम अच्छी तरीके से मिलता है। तो चलो यहाँ से करते हैं हिसाब हिसाब लेते हैं किराए विराए और फिर निकलते हैं आगे। HMT से तो हम आ गए बाहर हाईवे पे, ये रहा हाईवे, तो गाड़ी अपनी की है उस साइड में खड़ा, और जाना है इस तरफ को, अब जाना है घर, अब तो यहाँ से उठाएंगे थोड़े से फ्रूट्स, फ्रूट्स के दुकान देखो ये बिल्कुल रोड पर है, तो यहाँ से उठाएंगे हम थोड़े से फ्रूट्स घर के लिए, वो निकलेंगे फिर से। तो जो केले के पत्ते थे ना वो उन्होंने देखो कहाँ पे रखे हैं, आगे उस कैबिन पे, अब इनको फेंकना है गई साइड में, और जो कि अपने केले थे सारे, वो सारे के सारे एक नंबर एक क्लासिक थे। तो चलो इसी खुशी में चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये एरिया श्रीनगर का है, मतलब श्रीनगर मेन है ना उसी का है। तो क्या बोल रहे हो इश्फाक भाई? मैं बोल रहा हूँ खाली जिसको भी कुछ लेना होगा ना, फल फ्रूट लेना होगा ना, वो इस बाइक के पास आ जाए, ये सीधा है ना जो चौक है ना, इस चौक के कारिमपुरा बाईपास के पास, इधर टाटा गैराज भी है, और ये जो है ना इधर पेट्रोल पंप भी है, पहचान हो जाएगी आपको वो कहाँ पर है। हाँ। बोर्ड भी लगाया आपको, वो बोर्ड भी दिखाएंगे आप लोगों को, फिर आ जाना इधर इसके पास, बहुत कंसेशन करता है, से भी ज्यादा कंसेशन करता है ये अपना भाई। तो चलो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कितने सारे फ्रूट बाकी वगैरह, तो ये आप देख सकते हो आगे से श्रीनगर 0.5 किलोमीटर खाली है, मतलब सीधा जो रास्ता जाता है ये जाता है श्रीनगर मेन बाजार में, हमें जाना है यहाँ से राइट होके बाईपास चले जाना है, सीधा यहाँ से जाना है हमें अपना घर राइट होके। तो सामने से तो हम जा नहीं सकते, वहाँ पर नो एंट्री लगी होती है, तो यहाँ से हमें राइट मोड़ना है। और तावीद भाई बाकी ठीक है? चलो उधमपुर जाओगे? उधमपुर जाओगे?
ठीक है ठीक, अभी कानवाई छोड़ दी गई है, चलो मिलते हैं, ठीक है कॉल करेंगे अभी। चलो भाई की गाड़ी ये रही, ये गांधरबल में रहता है अपने भाई। तो इसी के साथ हम तो चल रहे हैं कंटिन्यू आगे। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इस साइड में श्रीनगर मेन पड़ता है, तो यही श्रीनगर का मेन चौक इसमें यहाँ पे है, मतलब इस साइड में, और यहाँ से बाईपास जाता है सीधा, हम जाएंगे यहाँ से ही। तो इशफाक भाई तो चला गया अपना रास्ते में, मतलब वो निकलता है ना बाईपास से, तो वहाँ से वो चला गया अपने घर पुलवामा। तो मैं जाऊँगा अब दूसरी गाड़ी में, अपनी भाई की गाड़ी में। तो भाई आप यहाँ जाओगे उधमपुर ना, तो तवीद है भाई का नाम, जिससे मैंने आपको पहले भी मिलाया। तो ये दूसरा भाई, आपकी चैनल है ना, क्या चैनल का नाम क्या है? देखो हम उसी को सपोर्ट करते हैं जो व्लॉग डालता है, जो कंटिन्यू वो वीडियो अपलोड करेगा ना, उसको हम सपोर्ट करते हैं। अगर आप डालोगे तो आपको भी सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके जरूर सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो चलो हम तो चलते हैं यहाँ से आगे अब अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ। अभी तो हम श्रीनगर में ही यहाँ से जाएंगे सीधा अनंतनाग। तो अपना दूसरी गाड़ी जो है वो तो आ रही है, अब मैं जाऊंगा वहाँ से दूसरी गाड़ी में। तो भाया जा रहा है सीधा हाईवे से होके, तो हम जाएंगे वहाँ से दूसरी गाड़ी में, चलते हैं करते हैं अपना सफर कंटिन्यू यहाँ से भी। तो नेक्स्ट ट्रिप कब होगी, नेक्स्ट ट्रिप तो आपको पता चल जाएगा, जल्दी जल्दी आपको बता देंगे। अपना तौहीद भाई कंटिन्यू चला रहा है गाड़ी। तौहीद भाई और सुना कुछ खास? मजे में बाकी ना। तो आप चलोगे हमारे साथ एक दो फेरे कंटिन्यू करेंगे यहाँ, तो पूरी जिंदगी हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे। फिर मजा आएगा, मजा ही मजा। लॉन्ग ड्राइव हो रही है इसका भाई शारिक, भाई शारिक नाम है ना, शाकिर, सॉरी शाकिर। तो चलो ये भाई जा रहे हैं उधमपुर। उधमपुर से कहाँ जाओगे फिर? मुझे वापस लाना है माल। अच्छा वापसी वहाँ पे ना, फिर हम चलेंगे साथ में नेक्स्ट ट्रिप पे हैं। हाँ इंशाल्लाह। यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, रोड का कितना मस्त है, कुछ पूछो मत। मतलब ये है कश्मीर की सीनरी, आप देख बोल रहे थे ना कि कश्मीर की सीनरी देखो जी। अभी बाहर पूरी तरह से आए नहीं, अभी आने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक बोर्ड, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पे है हम अभी। देखो जी, काजीगुंड 40, कोकरनाग 51, और बाकी सारे आपने देख लिए। तो इनकी गाड़ियां काफी मस्त है, तो मुझे पसंद आई। देखो कैबन कैसा है, कैबन का मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ सारा। देखो कैबन का व्यू, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बोल देना कि कैबन आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आया ये वाला कैबन। तो पहुंच गए हम अभी संगम में, अपनी भाई के साथ ही, दोनों भाई यहाँ पे ही है। तो चार तो बज गए, चार पांच तो बज गए। अपनी जो दूसरी गाड़ी है ना वो तो आ रही है पीछे से, श्रीनगर से आ रही है। तो हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे संगम में, बिल्कुल रोड की साइड में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भाई ने बनाई चाय, तो स्पेशल मेरे लिए बनाई है ना भाई, तो पियेंगे चाय। आप देख सकते हो मेरे लिए बनाई चाय, इन्होंने बोला था कि हम जाने वाले थे पर अब रुक गए मेरे लिए इधर। तो चलो इनसे करते हैं बहुत सारी बातें आपस में, चाय वाय पी के फिर वो गाड़ी भी आई दूसरी, उसके बाद निकलेंगे आगे, मैं अपने घर और ये भाई अपने सफर में। तो पीली चाय वाय भी अब निकलने का टाइम आ गया, भाई जाएंगे यहाँ से इस रास्ते से सीधा हाईवे से, और मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड से, मतलब आना पाना डिस्ट्रिक्ट से। तो चलते करते भाई भाई, तो मिलेंगे जल्दी भाई, तो आप जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप पे हम, तो चलेंगे कंटिन्यू वापस में साथ साथ में आगे। तो चलो भाई, हाँ टेक केयर, धीरे से चलना। हाँ ओके। तो भाई तो अपना गया, अब निकल गया खुदा के हवाले। तो अब मैं कर रहा हूँ अपने भाई का वेट, जो दूसरा भाई है जो आने वाला है श्रीनगर से, तो उसी का वेट कर रहा हूँ। तो वो यहाँ से आएगा, फिर हम यहाँ से जाएंगे आगे से लेफ्ट लेके, तो चलेंगे हम फिर घर। तो 15 दिनों के बाद ना बहुत खुशी मिल रही है कि हम अब जा रहे हैं घर 15 दिनों के बाद। तो चलो कोई ना, ऐसा करना पड़ता है, मतलब 10-12 दिन तो लग जाते थे एक गेड़े में, पर आज ज़्यादा ही कुछ लग गया। तो चलो कोई ना, अब करते हैं उसका वेट। मैंने तो सारा सामान यहाँ पे रख दिया साइड में,
सारी गाड़ियां जो है एक बीच जा रही है, आप देख ही सकते हो। ये देखो एक और ट्रॉला आ गया ना, जाते हुए जाएगा ये सीधा अपना। ओ क्या ट्रक है, तो जा रहे हैं सभी ट्राले, मतलब कार्रवाई तो छोड़ दी गई, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और वहाँ जो वहाँ की जो कार्रवाई थी ना जम्मू से श्रीनगर के लिए, तो वो तो अभी आ रही है, वो अभी पहुँच रही है यहाँ पे। तो ये पहुँच गए, अब इनको यहाँ से छोड़ दिया गया, ये अब जाएगी आराम से यहाँ से जम्मू के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे बंद करना चाहता हूँ, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जल्दी ट्रिप पे निकलने वाले हैं, अगर आपको घर का व्लॉग चाहिए ना, मतलब घर का अपने कश्मीर का, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, तो मैं बनाऊंगा एक अच्छा सा व्लॉग डेली बेस पे। तो एक दो दिन रहेंगे घर पे, उसके बाद फिर से निकलेंगे अपने सफर पे, ट्रिप पे। तो देखेंगे नेक्स्ट ट्रिप कहाँ पे होगी, या तो हम नई गाड़ी लेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं, आपको पता चलेगा। अगर जानना है तो जरूर कमेंट में बोलना। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जानता हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।